अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कभी भी आने का सोच रहे हो तो चांसेस है कि आपकी जर्नी शुरू होगी आसाम से, और आसाम में भी गुवाहाटी में आप आओगे क्योंकि इसे पॉपुलरली जाना जाता है एज अ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आज मैं यहाँ पे 24 घंटे स्पेंड करने वाला हूँ और एक्सप्लोर करने वाला हूँ और अपने नज़रिए से आपको दिखाने वाला हूँ कि आसाम में गुवाहाटी में हम क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से शुरू करते हैं, चलो लेट्स गो। गुवाहाटी की एक्सप्लोरेशन आप यहाँ की विश्व प्रसिद्ध माँ कामाख्या मंदिर के आशीर्वाद लिए बिना शुरू ही नहीं कर सकते। कामाख्या मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और ये मंदिर बहुत ही अनोखा है और कहा जाता है यहाँ पे तंत्र की भी पूजा की जाती है। ओके, तो अभी दर्शन करने के पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। तो आप जो पीछे पॉइंट देख रहे हैं ये एंट्री पॉइंट है मंदिर का, और यहाँ पे आपको ढेर सारे दुकान दिखेंगे जहाँ पे आपको जूते चप्पल बैग रखने की फैसिलिटी फॉर चार्ज रहते हैं। पर थोड़े ही आप आगे जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली आपको शूज एज वेल एज बैग्स रखने के लिए लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जब जाओगे तो आपको अगर नहाना भी हो, जैसे कि आप फ्लाइट से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, कोई दूसरे जगह से डायरेक्ट इधर दर्शन करने आ रहे हो, तो ये शॉपकीपर्स को आप पूछोगे तो आपको डायरेक्ट नहाने का भी जो बंदोबस्त है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है फॉर 50 to 100 rupees। इसके अलावा दर्शन काफ़ी क्विक है, लाइन बहुत लंबी रहती है, तो आपको थोड़ा जल्दी आने में इधर एडवाइस करूँगा। माँ कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पे स्थित है और ये कहा जाता है सबसे पहले 6th and 7th centuries के बीच में बनाया गया था और फिर से 16th century में अहोम साम्राज्य के वक्त पे इसे फिर से बनाया गया था। इधर आपको जगह जगह बकरियां और कबूतर दिखेंगे क्योंकि ये सारे जानवर माँ कामाख्या को प्रसाद के नाम पे यहाँ पे भेंट देने के लिए बहुत सारे लोग लाते हैं और ये आपको मंदिर के कंपाउंड में उसके बाद घूमते हुए दिखेंगे। इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि मैं आसाम में गुवाहाटी में इतना दूर क्या स्टारबक्स कॉफ़ी पीने आया हूँ। नो, नॉट रियली। मैं इधर आया हूँ ये बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। ये बिल्डिंग है द ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर और ये है ऐसी जगह जो एकदम ही ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे लोकेटेड है और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम बनाया गया है इनसाइड अ ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग, जिसको पूरा तरीके से एकदम बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्टोर किया गया है और इसके अंदर आपको आसाम से जुड़ी हुई आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, म्यूज़िक, इसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अंदर जाते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर के ही कंपाउंड में एक बहुत ही बढ़िया स्टारबक्स भी लोकेटेड है, तो अगर आप कॉफी और व्यूज के शौकीन हो तो यहाँ पे जरूर बैठ के एक कॉफी एंजॉय करना तो बनता ही बनता है। अभी तो ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर का एक्सप्लोरेशन हो गया, तो अभी जाना है उस बार जहाँ पे रोपवे है, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो चलिए जाते हैं उधर और एक्सप्लोर करते हैं और प्राइसेस क्या है पता करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर से लिटरली आप 5 मिनट आगे चल के आएंगे तो आपको ये रोपवे पॉइंट पे लेके आएगा। इसका टर्मिनल जो है मेरे पीछे है और ये जाती है साउथ से लेके नॉर्थ को लेके जाती है गुवाहाटी तक। बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं, नहीं तो फेरी बोट भी लेके जाते हैं। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं और पता करते हैं इसका टिकट प्राइजेस क्या है, कितने बजे तक चालू है और इसकी पूरी जर्नी एंड साइट एंड साउंड एंजॉय करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर रोपवे जो है उसकी चार्जेस आपको 100 रुपये पड़ेगी और ये जर्नी जो है आपको लगभग 15 से 20 मिनट में पूरी कवर की जाती है। ध्यान रखिए कि यह 4 बजे तक ही ओपन है और उसके बाद बंद हो जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र रोपवे जो है इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से जब जाता है आपको व्यूज इतने ब्यूटिफुल और इतने मेजमराइजिंग लगते हैं कि क्या ही कहूँ। ये दुनिया का वन ऑफ दी मोस्ट यूनिक रोपवेज है जो मैंने आज तक एटलीस्ट एक्सपीरियंस किया है और आपको ये ज़रूर करना चाहिए गुवाहाटी में।
तो अभी जस्ट केबल कार की राइड हमारी खत्म हो गई है। इस रोप वे का कॉस्ट है 100 रुपीज और ये आपको साउथ से नॉर्थ लेके आती है या नॉर्थ से साउथ लेके जाती है। ध्यान रखिए कि अगर आप साउथ से जो आ रहे हो गुवाहाटी से नॉर्थ साइड, तो ये जो केबल कार है 4:30 बजे लास्ट चलती है। ये अगर बंद हो गए तो या तो आपको फेरी लेके जानी पड़ेगी या बाय रोड जाना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग और महंगा भी हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के रोप वे राइड को तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उसकी व्यूज भी बहुत अमेजिंग थी। उसके बाद में मैंने एक क्विक बाइक टैक्सी पकड़ के वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के ही जेटी किनारे पहुँच गया। केवल 5 रुपए की टिकट कटाई मैंने और ब्रह्मपुत्र नदी को मैंने वहाँ के रिवर बोट से भी एक अलग ही नज़रिए से देखा और एंजॉय किया। ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक तरफ से आसाम और उनके लोगों की पहचान बन गई है। ये नदी किनारे लोगों ने अपना जीवन बसाया है। इस नदी के इस पार और उस पार लोग रोज आते जाते हैं, कोई काम के लिए तो कोई पढ़ाई लिखाई के लिए तो कोई अपनों को मिलने के लिए। इस विशाल नदी ने सबको आजमाया है, सबको अपनाया है, सबको अपना घर बनाने का मौका दिया है और कहीं ना कहीं उनको एक यूनिक आइडेंटिटी भी दे दी है। ब्रह्मपुत्र नदी के जेटी किनारे ही आप थोड़ा चल के आगे जाएंगे तो आपको फैंसी बाजार आएगा। फैंसी बाजार एक बहुत बड़ा लोकल मार्केट है जहाँ पे लोग अपनी शॉपिंग करते हैं और ढेर सारे वहाँ पे फूड आउटलेट्स भी है। और मैं आपको एक रिकमेंडेशन जरूर दूंगा कि आप जब आसाम में आ रहे हो तो वहाँ की लोकल एसएमई स्टाइल थाली जरूर ट्राई कीजिए। इस गुवाहाटी की सिंगल डे की जर्नी को खत्म करने के पहले मैं आपको कहूंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किनारे एक बहुत ही अमेजिंग सनसेट विटनेस कीजिए और इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि नॉर्थब्रुक गेट पे जाइए। नॉर्थब्रुक गेट आपको फैंसी बाजार और ब्रह्मपुत्र जेटी के पास ही मिलेगा और इसकी एंट्री फीस ओनली 10 रुपीज है और यहाँ से आप पूरा इवनिंग चिल करते करते एक अमेजिंग सनसेट एंजॉय कर सकते हो। अगर बाय चांस गुवाहाटी में आपके पास एक या दो दिन एक्स्ट्रा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से वर्ल्ड फेमस काजीरंगा फॉरेस्ट रिजर्व में जाके भी एक दिन पूरा स्पेंड कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है, गुवाहाटी से कुछ 4 से 6 घंटे की बस जर्नी है और काफ़ी एंजॉयबल है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो लोकेटेड है माजोली के नाम से, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो गुवाहाटी के ज़्यादा दूर नहीं है। और साथ में अभी आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको गुवाहाटी पहुँचना है तो आपको क्या ऑप्शंस है। देखिए, गुवाहाटी में आपको सबसे मेजर ऑप्शन जो है इंडिया से कनेक्टिविटी पड़ेगी वो है रेल। ट्रेन स्टेशन काफ़ी अच्छा है और बहुत जगहों से अच्छी कनेक्टिविटी भी है। इसके अलावा गुवाहाटी में एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहाँ से भी आपको ईजिली पहुँचने को होगा। एंड बाय रोड नॉर्थ इंडिया के स्टेट से काफ़ी ईजिली पहुँचा जा सकता है। तो वीडियो खत्म होने के पहले मैं आपको यहाँ पे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का मैटर क्या है वो समझा देता हूँ। तो आप जहाँ पे गुवाहाटी में आओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, नंबर 1, कि आप यहाँ पे बाइक रेंटल ले लीजिए। बाइक रेंटल 500 के आसपास आपको स्कूटी पड़ जाती है और आपको किधर भी घूमना है उसके हिसाब से आपको एटलीस्ट पर्सनल मोबिलिटी और फुल फ्रीडम मिल जाती है। और ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि रीज़न नंबर 2 ये है कि मैं आज यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए सब जगह रैपिडो या ओला बाइक यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इशू ये हो जाता है कि गुवाहाटी में अचानक से सारे जगह पे फॉर ऑड रीजंस ऑड टाइम्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसका रीज़न मुझे क्या है पता नहीं, बट ये रियलिटी है। तो आप जब भी ये रैपिडो या ओला वालों को बुक करोगे तो ये सबसे पहले आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है, उसके बाद में वो फेयर कितना है पूछेंगे आपसे और फेयर आपको जो भी बता रहा है ऐप में आप कहोगे तो वो बोलोगे कि बहुत कम दिखा रहा है, तो आप कुछ अपने हिसाब से एक्स्ट्रा दे दीजिए, 20-30-40 जो भी है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो ऐप एक्चुअली फेयर्स दिखा रहा है वो बहुत ही कम है। वाकई में 4-5 किलोमीटर ये ट्रैफिक में जाने के लिए 70-80 रुपया मेरे हिसाब से बहुत कम है फॉर द राइडर। तो आप अपने हिसाब से चाहे तो ज़्यादा दे सकते हैं, नहीं तो आप बाइक रेंट करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। रिक्शा टैक्सीज ये जो भी है इधर बहुत ज़्यादा अपना मन मर्जी रेट्स बोलते हैं, तो अगर आप बड़े ग्रुप में होगे तो ही ये आपको बेनिफिशियल होगा। बाकी मेरे हिसाब से बाइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन हो यार। तो ये थी सारी जर्नी गाइस आसाम की। एक ब्यूटीफुल सनसेट देखते देखते यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट अगर आपको कोई क्वेरी हो और आपके दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप पे शेयर करने भूलिए मत। तभी तक मिलते हैं जल्द, स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।